Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल नंबर पे मैसेजेस आए और कई स्टूडेंट्स मिले भी कि सर रिवीजन प्लान कैसे करें हमारा, अगर कमिंग अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स है या सिंगल ग्रुप है, कैसे रिवाइज करें हम लोग 8 पेपर्स को या 4 पेपर्स को। अब हमारी कोचिंग्स जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, तो किस तरीके से हम लोग रिवीजन प्लान करें। तो गाइस, हियर आई एम टू हेल्प यू आउट विद दैट। एंड मैं आप लोगों को एक सिंसियर अपनी तरफ से प्लानिंग दूंगा। देखिए, अगर मैं आपके शूज में होता तो मैं ऐसा करता। अगर इफ आई वुड हैव बीन इन योर शूज और मेरी प्रिपरेशन इस तरीके से होती कि मेरी अब जो है क्लासेस जो है खत्म हो चुकी हैं, वॉट एवर आई हैव डन दिस सिलेबस कम्प्लीटली, तो उस केस में मैं कैसे प्लान करता, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। लाओ यार, जरा साथ में ले आओ भाई इसको। तो रिविजन देखिए, मैं आपको सबसे पहले बोथ ग्रुप्स का दे देता हूँ रिविजन प्लान। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे अभी मिले हैं, जिन्होंने भी बात की है मुझसे, उन सबके क्वेरी यही थी कि हमने अभी ग्रुप टू पढ़ा है, जस्ट नाउ ग्रुप टू खत्म किया है। अभी हम लोगों ने ग्रुप टू खत्म किया, तो ग्रुप वन हमें पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया है और ग्रुप टू की अभी अभी कोचिंग्स हमारी खत्म हुई है, तो उस हिसाब से हम कैसे प्लान करें। तो देखिए गाइज, प्लीज मेक अ डिटेल्ड प्लान फॉर योर सेल्फ। आई एम मेकिंग यू मेकिंग एन आउटलाइन फॉर द सेम, जो कि रियलिस्टिक हो, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, मेरा सजेशन ये है, आप लोग, क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी ग्रुप वन को टाइम हो गया है कि भाई हमने रिवाइज नहीं किया है अभी, तो मेरा सजेशन ये है, आप टू सब्जेक्ट्स से, फॉर एग्जाम्पल आप CMA प्लस टैक्स ले लेते हैं, ये आप पढ़ें एवरीडे 9 to 10 hours। देखिए, मेरा एक सजेशन है, इसमें नॉर्मल आइडल टाइम भी इंक्लूड है, कहने का मतलब हर 2 घंटे बाद आप 15 मिनट का ब्रेक तो ले ही रहे हैं, एवरी 2 hours बाद आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, मेरा एक सजेशन ये है कि देखिए, आपके 24 घंटे में से 24 आवर्स में से आपके 6 hours तो आप स्लीप करेंगे करेंगे, तो 6 to 7 hours मैं आपको नींद के कहता हूं कि जी ये आपके स्लीप के हो गए, तो मैक्स आपके जो है डिपेंड्स 17 to 18 hours आपके रिमेनिंग बचे। तो इन रिमेनिंग आवर्स में गाइस, आई एम सजेस्टिंग कि इन रिमेनिंग आवर्स में आप लोग 1 घंटा और अपने को सेल्फ को दे दें एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, रेस्ट आप प्लान कर रहे हैं 16 आवर्स कम से कम, 16 to 17 आपकी मर्जी है, आपका कैसा प्लान आप करना चाहते हैं, इट्स योर कॉल। 1 घंटा, ठीक है जी, और 17 वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, इतना जरूरी नहीं है, 1 hour to 2 hours आप दे सकते हैं। तो अब क्या है, आपके डिपेंड करता है, 17 से 18 घंटे में अगर आप 17 आवर्स है तो 1 hour, और 18 आवर्स है तो उस केस में 2 hours आप अपना रिलैक्स करने का, एक्सरसाइज करने का, व्हाटएवर, ये उसके लिए टाइम है। अब मैं आपको स्केड्यूल जो शेयर कर रहा हूं वो इन 16 आवर्स का स्केड्यूल शेयर कर रहा हूं। इन 16 आवर्स में आप लोग देखिए, 16 आवर्स डज नॉट मीन इफेक्टिव आवर्स, आप 2-2 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, फिर 2 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं, 2 घंटे बाद फिर 15 मिनट पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं लिटिल बिट, तो एवरी 2 hours यू आर टेकिंग अ 15 मिनट्स का ब्रेक, एंड 15 मिनट में खाना भी खा लोगे यार, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट गिविंग यू नाउ आउटलाइन फॉर दैट। CMA और टैक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ये 2 सब्जेक्ट्स कर लिया 9 to 10 hours पर डे, और मेरा सजेशन ये है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को, बोथ दी सब्जेक्ट्स को कोशिश करके इफ पॉसिबल 14 डेज में पैक करें, बट मैं मिनिमम एक्स प्लान में बिलीव करता हूँ, तो मिनिमम आपको 14 डेज में आपको कहता हूँ, मैक्स यार 15 डेज के अंदर अंदर पैक करना ही पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद इसी तरीके से इसमें जो बाकी घंटे बच रहे हैं, आप जो भी है 16 आवर्स अगर पढ़ेंगे, व्हाटएवर एज द केस में भी, तो आप 6
तो 7 आवर्स ज़्यादा हो जाएगा, 7 आवर्स हम लोग ऐसे कर देते हैं, 5 to 6 आवर्स कह देता हूँ। आप ग्रुप टू के दो सब्जेक्ट्स को दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रख सकते हैं ऑडिट प्लस FM इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। कोशिश करें कि ये सेम 14 to 15 days में ये पैक हो जाएं, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट जो है 15 दिन में खत्म हो सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे प्लान करते हैं इन चीजों को। से फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एक सब्जेक्ट को 5 आवर्स दे रहे हैं, दूसरे को 4 दे रहे हैं, या एज द केस में भी आप 5 and 5 दे रहे हैं या 6 and 4 दे रहे हैं, वट एवर एज द केस में भी, ये 10 आवर्स का आप स्केड्यूल इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ 5 आवर्स में 2 to ऑडिट, 3 to FM इन इकोनॉमिक्स, या फिर एज द केस में भी 3 and 3, डिपेंड करता है आपको। अल्टीमेटली यू नीड टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लान और रियलिस्टिक प्लान, और टॉपिक वाइज तो आप खुद बनाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बोला, दिस यू कैन डू। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो है आप नेक्स्ट 14 to 15 days, नेक्स्ट 14 to 15 days आप लोग रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 एंड 2 सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली, टेक एन एग्जाम्पल अकाउंट्स ले लिया प्लस लॉ ले लिया, और ग्रुप 2 का भी इसी तरीके से। मतलब ये मैं सब्जेक्ट जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स ठीक है जी, जैसे EIS, SM प्लस एडवांस अकाउंट्स ले लिया। तो गाइस सेम 9 to 10 आवर्स पर डे, ये भी 5 to 6 आवर्स पर डे। तो मैंने इस हिसाब से आपको 14 घंटे से लेकर 16 घंटे के लिए बोल दिया, ठीक है जी, 14 घंटे से लेकर 16 घंटे के लिए बोल दिया। ऐसे प्लान कर सकते हैं आप 14 आवर्स में, यार यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल टाइम। 10 आवर्स आप जो मर्जी करें, सोएं 6 घंटे, 7 घंटे, फैमिली टाइम, एक्सरसाइज, वट एवर। एक्सरसाइज तो वैसे आप उन 15 मिनट जो ब्रेक लेंगे, खाना पीना उसी में कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप प्लान करके अपना 28 to 30 days में एक रिवीजन कर लें। वन रिवीजन इज डन। अच्छा, फिर इसके बाद गाइस साथ के साथ आप क्या करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कवर होते जाएं, जैसे मैं हम लोग अभी टेस्ट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, फाउंडेशन के बच्चे उनके तो जैसे 4 पेपर ही हैं, जो भी एक ग्रुप दे रहे हैं वो एक ग्रुप का प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको इतने आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिड्यूस योर आवर्स, यू कैन प्लान योर आवर्स अप टू 12 पर डे। आराम से जिंदगी जियो, 12 घंटे एंजॉय करो, 12 घंटे पढ़ लो, मोर देन सफिशियंट है। 12 आवर्स मोर देन सफिशियंट है ब्रेक्स के साथ। 2 सब्जेक्ट्स अ डे प्लान करें, 6 6 आवर्स अ डे का एक एवरेज प्लान बना के, और आप बड़े आराम से, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही डिटेल में एक ग्रुप वाले स्टूडेंट्स जो हैं, यू कैन गिव दिस यू नो मेक योर प्लान कि आप जो है 12 आवर्स का प्लान बनाएं, 12 आवर्स एंड 12 आवर्स में 6 आवर्स 6 आवर्स, और इसी तरीके से आप मैक्स 2 वीक्स, 2 वीक्स मैक्स को आप प्लान करें, और क्लोज कर दें अपने जो है 12 आवर्स 2 वीक्स मैक्स, 2 सब्जेक्ट फिर आगे 2 सब्जेक्ट, लाइक दैट। नाउ सेकेंड रिविजन गाइज, मेरा सजेशन तो ये है कि जब आपका, टेक एन एग्जाम्पल, अभी आपके पास जैसे आज 4th of September है, आज का दिन मैं कहता हूँ काउंट आउट करते हैं, तो 5th September से ये September 26 हो गए, 31 डेज और 1 डे और, तो इस हिसाब से हमारे पास 58 डेज हो गए, राइट। वैसे आप लोगों को जो है आई थिंक पेपर 3 से पहले शायद 3 डेज की हॉलीडे है, आई थिंक सो, दिवाली के लिए में, तो आप उस केस में उस पेपर के लिए भी थोड़ा सा कम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये जो सेकंड रिवीजन होगी उसमें,
यू हैव गॉट द डेज, तो यू नो आप 58 डेज में से ऑलरेडी 28 to 30 डेज एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो अब आपके पास 28 अगर आपने कर दिया तो 30, अगर 30 कर दिया तो 28, तो 28 to 30 डेज रिमेनिंग बच रहे हैं, यू हैव गॉट रिमेनिंग, ये आपने यूज कर लिए आपके फर्स्ट रिविजन में, फर्स्ट रिविजन में आपने ये यूज कर लिया। अब आप क्या करेंगे रिमेनिंग 28 to 30 डेज, आप सेकेंड रिविजन करेंगे, और गाइज उस सेकेंड रिविजन में मेरा सजेशन तो ये है पेपर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप टू पेपर्स एट अ टाइम उठाएं, एक दो एक साथ, एक दो एक साथ, एक दो एक साथ, एक दो एक साथ, ऐसे करके आप उठाएं इनको, और मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि आप इनको एज द केस में भी कोशिश करें कि 3 days मीन्स 1.5 day पर पेपर आप करना है, या आपकी मर्जी है जैसे भी है, 1.5 day पर पेपर करना है, या एज द केस में भी इस, या 1.5 day 3 days दें, या डेढ़ दिन पूरा देना है, या 3 दिन आधे आधे देने, इट्स योर कॉल। और मेरा ये सजेशन है प्लीज अब आप 16 to 18 आवर्स का प्लान बनाइएगा, 16-17 निकालिएगा पक्का पक्का, 18 ज्यादा लिख दिया, 17 कह देते हैं, 16-17 आवर्स पर डे का आप प्लान बनाइएगा, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। 3 days 3 days 3 days लाइक दैट आपने क्या किया, ये टोटल मिला के आप देख सकते हैं 12 days में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये टाइम कम लग रहा है तो मैं आपको ये डबल टाइम दे देता हूँ इनके लिए, ये लो 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, इस हिसाब से मैंने आपको क्या किया है, आई हैव गिवन यू 6 half days या फुल डेज जो है आपके 3 days आप दे सकते हैं, इस हिसाब से 24 डेज हमने लगा दिए। अब रिमेनिंग हमारे पास कितने बच गए हैं जी, अब हमारे पास बहुत ही कम समय रह गया है, हमारे पास डिपेंड करता है 4 to 6 days बच रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स 28 to 30 days, तो 4 to 6 days अगर बच रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है अगेन, अब इस केस में क्या है, प्लीज आपने लास्ट में एक दिन पहले तो आपने 1 day before तो आपने अकाउंट्स ही पढ़ना है 1 November को, और उससे पहले आप यहाँ प्लीज ध्यान दीजिएगा टेस्ट यहाँ पे, या बीच में भी आप टेस्ट यहाँ पे भी टेस्ट दें, आपके प्रिपरेशन होती जाती है तो आप यहाँ पे भी टेस्ट दें, जैसे जैसे आपके टेस्ट जो है आ रहे हैं एज द केस में भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे जितना हो सकता है, हम आपको बहुत सारा मटेरियल देने वाले हैं गाइस, कनेक्टेड रहिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा मटेरियल देने वाले हैं यहाँ पर, विल गिव यू एज मच एज पॉसिबल द टेस्ट एंड द रिविजन, जितना हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे, विल गिव यू टेस्ट एज मच एज पॉसिबल एज वेल एज जिस जिसका रिविजन हो पाएगा, जैसा स्केड्यूल हो पाएगा, विल ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल। तो गाइस 1 November को तो आपने ये दिया, और उसके बाद रिमेनिंग डेज में जो आप टेस्ट आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर जैसा भी है इनकी कुछ थोड़ी सी तैयारी करें, एंड दैट्स हाउ एग्जाम से एक दिन पहले ऑब्वियसली 1.5 day आपके पास, वो आपने पढ़ना है ढंग से करना है, सारा का सारा प्रिपरेशन आपको एग्जाम से एक दिन पहले वही पेपर कंप्लीट डे पढ़ना है, तो प्लीज अपने हिसाब से एक रिटन प्लान बनाइएगा, ओरली बिल्कुल मत चलिए, अब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, रिटन प्लान बनाइए एवरीबडी, बी इट यू गाइज आर ऑफ सी ए फाइनल, बी इट सी ए फाउंडेशन, बी इट सी ए इंटरमीडिएट, और इवन सी एस के स्टूडेंट्स भी, प्लीज जैसे आपका कोर्स खत्म होगा मैं उस टाइम पे फिर से आऊंगा, आपको प्लानिंग डिस्कस करूंगा, तो जिन लोगों ने भी प्लीज प्लान बनाना है, आई गिवन यू एन आउटलाइन फॉर दैट, प्लीज डू मेक दिस प्लान, राइटिंग में टॉपिक वाइज बनाइएगा, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.